गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवी क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट प्रीवियस क्लास वी हैव कम्प्लीटली रिवाइज्ड अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर टू, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज्ड अबाउट टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर डैश बी आर ई ए टी एच ई ब्रीथ T H R O U G S through T H E the T I N Y tiny H O L E S holes O N on T H E I R there L E A V E S leaves dash breathe through the tiny holes on their leaves। जो पत्तियां होती है इन होल्स के द्वारा, छोटे छोटे होल्स के द्वारा सांस लेती है। तो काय में होती है वो, किसके थ्रू सांस, मतलब जो लीव्स होती है वो टीनी होल्स में सांस लेती है। तो कौन लेते हैं वो, ए एन आई एम ए एल एस एनिमल्स, सेकेंड ऑप्शन पी एल ए एन टी एस प्लांट्स, थर्ड ऑप्शन एच यू एम ए एन ह्यूमन। तो देखिए, जो एनिमल्स होते हैं वो स्किन के थ्रू या अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, जो ह्यूमन होते हैं वो नोज के थ्रू सांस लेते हैं, जो कौन होता है जो लीव्स के थ्रू सांस लेता है। सो राइट आंसर इज प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो पत्तियों में तीनी होल्स होते हैं उनके थ्रू सांस लेते हैं, पी एल ए एन टी एस प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टीनी होल्स ऑन देयर लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं पत्तियों पर जो टीनी होल्स होते हैं उनके थ्रू सांस लेते हैं, सेकेंड टी एच ई द एफ आई एस एच फिश बी आर ई ए टी एच ई ब्रीथ टी एच आर ओ यू जी एस थ्रू टी एच ई आई आर देयर डैश द फिश ब्रीथ थ्रू देयर। जो मछलियां होती हैं, फिश मतलब मछली, ब्रीथ सांस लेती है किनके द्वारा सांस लेती है, ऑप्शन इज एच ओ एल ई एस होल्स, सेकेंड ऑप्शन जी आई डबल एल एस गिल्स, हिंदी में बोलते हैं इन्हें गलफड़े, थर्ड ऑप्शन एल यू एन जी एस लंग्स, लंग्स मतलब पता है फेफड़े। तो द फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, जो मछली होती है वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है, उनमें लंग्स नहीं होते हैं ना ही होल्स होते हैं, वो गिल्स के थ्रू मीन्स गलफड़ों के थ्रू सांस लेती है। द फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, फर्स्ट नंबर डैश ब्रीथ थ्रू द टिनी होल्स ऑन देयर लीव्स, राइट आंसर इज प्लांट्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टिनी होल्स ऑन देयर लीव। जो पौधे होते हैं वो पत्ती और पौधों के ऊपर जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर जो टिनी होल्स होते हैं उसके थ्रू सांस लेते हैं, और जो मछली होती है वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है। नाउ थर्ड डैश सी ए एन कैन पी आर ई पी ए आर ई प्रिपेयर टी एच ई आई आर देयर ओ डब्ल्यू एन ऑन F double O D food dash can prepare their own food, कौन अपना खाना खुद बना सकता है, जो खाने के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड नहीं रहता है, P L A N T S plants पौधे A N I M A L S animals जीव जंतु, थर्ड ऑप्शन एच यू एम ए एन ह्यूमन बी ई आई एन जी एस बींग्स ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स। सो प्लांट्स इज राइट आंसर। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जब वो खाना बनाएंगे तभी तो हमें खाना प्राप्त होगा। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट जो एनिमल होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो खाने के लिए प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू रिविजन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।